नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। खबर एटा से है, जहां राजकीय जिला कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी पंडाल में आयुष्मान भारत योजना के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव उपस्थित रहे। वहीं भाजपा सांसद ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई गई है। वहीं एटा जिले में आयुष्मान भारत योजना के 65,000 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। सीएमओ साहब लगातार प्रधानमंत्री प्लास्टिक यूज को रोकने की बात कहते हैं, और डीएम साहब ने भी कहा था कि एटा महोत्सव जो है वो प्लास्टिक मुक्त होगा, लेकिन आपके ही कार्यक्रम में प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे संयोजक जी से हम बात करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार प्लास्टिक की बॉटल्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम अपने जितने भी कार्यक्रम हैं सभी में जो हम स्टील की बॉटल्स को रखते हैं और साथ में जो है साधारण, और ये प्लास्टिक की ये वाली पानी की बॉटल इनफैक्ट ये बैन नहीं है, ये बैन बताना चाहूँगा, ये बैन नहीं है क्योंकि ये रिसाइकलेबल है। जो 50 माइक्रोन से कम की जो पॉलीथीन है और जो रिसाइकलेबल है वो बैन है, और आज भी ये सब जगह संसद में भी यूज होता है। और आपने आयुष्मान भारत योजना पर बात की, आपने एक सवाल भी उठाया है कि स्थिति अच्छी नहीं है आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने को लेकर और बहुत सारी चीज़ें, क्या नहीं, नहीं मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने इतना कहा कि अभी काफ़ी कुछ कहने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। और मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस निष्ठा के साथ, जिस प्रामाणिकता के साथ, जिस समर्पण के भाव के साथ गरीबों के लिए योजना लागू की है, वो दुनिया के इतिहास में बिल्कुल एक अनुपम और अनोखी योजना है। वो जिस समय पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश किए थे सबसे पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने कदम पहली सीढ़ी पर चरण नहीं रखे, उन्होंने अपना माथा टेक करके ये कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। उसी भावना के प्रति को लेते हुए पूरी प्रामाणिकता के साथ उन्होंने जो अंत्योदय जो अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, यह योजना पूरे देश के अंदर लागू की है, जिसमें 10 करोड़ परिवार और लगभग 50 करोड़ गरीब जनता को उसको लाभान्वित तो लाभ उसका मिलेगा। खुशी की बात है, बड़ी तेज़ी के साथ और इस योजना को ज़मीन पर लाने के लिए, हकीकत बनाने के लिए और प्रयास चल रहा है। जहाँ तक एटा जनपद का सवाल है, हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और इनकी पूरी जो टीम है, मुझे लगता है कि ठीक दिशा में काम कर रही है। 86,000 पात्र हैं, उनमें से 67,000 लोगों के कार्ड बन चुके हैं, शेष जो रह गए हैं 20,000 के लगभग, ये कार्ड भी बहुत शीघ्र ही बनाने के लिए ये प्रयास करेंगे, योजना बनाएंगे। जिलाधिकारी जी से भी मेरी वार्ता इस संबंध में हुई है, यदि इनके पास स्टाफ की कमी है, कोई कारण है, कोई कठिनाई है, तो जिलाधिकारी जी उसमें मदद करेंगे, और हम अपने सभी साथियों को, सभी मित्रों को, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये अनुरोध कर रहे हैं कि 100% लोगों के कार्ड बने, 100% लोगों को इस महत्वाकांक्षी और अनोखी योजना का लाभ मिले, हर गरीब इस योजना का लाभ उठाए। पैसे के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित हो जाए, मर न जाए, इसमें सभी लोग सहयोग करें, ऐसा हम लोग का प्रयास है। एक, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकारी अस्पताल हो या जो निजी अस्पताल हैं उसमें आयुष्मान कार्ड धारक जो योजना के लाभार्थी हैं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता या वो वहाँ पहुँच नहीं पाते, उनको इलाज नहीं मिल पाता? देखिए, कुछ तो अभी जन जागरण की काफ़ी आवश्यकता है। जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारे जो इस योजना के लिए पात्र लोग हैं, उनकी भी जानकारी कम है, और दूसरे कुछ और भी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने का हम सब लोग मिलकर के अधिकारियों के साथ बैठ कर के प्रयास कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और कोई भी कार्ड बनवाने आए, कोई उपचार के लिए आए, उसको असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम प्रयास करते हैं।